अगर आपका जन्म अप्रैल महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 7 और उसके स्वामी ग्रह है केतु, जिसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। वहीं अप्रैल के महीने को मेष राशि रिप्रेजेंट करती है, जिसे मंगल देव अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर कृपा दृष्टि से तात्पर्य है मनुष्य में शारीरिक गुणों का अधिक विकास होना। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ होगा, मेंटली और टेक्निकली फील्ड की अपेक्षा फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव रहेगा। अतः आप लोगों पर केतु और मंगल देव का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। केतु जो कि एक छाया ग्रह है, एक आध्यात्मिक ग्रह है, रहस्यमय ग्रह है। केतु वैराग्य का प्रतीक है, दिव्य शक्ति का प्रतीक है, अंतर चेतना का प्रतीक है। केतु स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। केतु मौलिक विचारों को दर्शाता है, एक विशिष्ट चुंबकीय शक्ति को दर्शाता है, जिसके आकर्षण से निकलना लगभग असंभव सा हो जाता है। केतु तर्क, बुद्धि, ज्ञान, कल्पना और अंतर्दृष्टि का कारक है। केतु मानसिक चिंता का कारक है। केतु विक्षोभ का कारक है, मर्मज्ञता का कारक है। केतु शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, स्वभाव से ये मंगल की भांति कार्य करता है। कुंडली में अगर केतु अच्छी स्थिति में होगा, मजबूत स्थिति में होगा, तो ये व्यक्ति को जीवन की उच्चतम ऊंचाइयों पर लेकर चला जाता है, जो कि आध्यात्म और मोक्ष का द्वार खोल देता है। लेकिन विरले ही इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। वहीं अगर केतु कमजोर स्थिति में हुआ तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं में, भौतिक सुखों में खोता चला जाता है, धन कमाने में इतना अधिक व्यस्त हो जाता है कि वो किस उद्देश्य से यहाँ आया है इसमें ही भटक जाता है। वहीं दूसरी ओर मंगल, जो कि एक सेनापति है, मंगल जोश है, जुनून है, साहस है, धैर्य है, पराक्रम है। मंगल की उपस्थिति व्यक्ति को जुझारू बना देती है, मेहनती बना देती है। मंगल हमारे रक्त का कारक भी है। मंगल हमारी उग्रता को, हमारी तृष्णा को दर्शाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अनेक विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें सफलता और असफलता दोनों का ही स्वाद चखने को मिलता है। ये लोग परिस्थितियों के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं। भाग्य इनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लोग अपनी कार्यशैली के अनुसार या फिर घटनाओं के परिस्थिति अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा बेचैन और अस्थिरता का अनुभव करने लगते हैं। जब तक कि किसी निर्णय पर ये लोग पहुंच नहीं जाते, तब तक उसमें जी जान से जुटे रहते हैं। ये लोग नई प्रकार की मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में विशेष रुचि रखते हैं। साहित्य से भी इन्हें गहरा लगाव होता है। ऐसे व्यक्ति दबंग प्रवृत्ति के होते हैं, साहसी होते हैं, हठी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति लिए होते हैं, जन्मजात फाइटर होते हैं, कठिन से कठिन बाधाओं को पार करने का ये सामर्थ्य रखते हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति लिए होते हैं, अपने किसी भी काम में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई इंटरफेरेंस करता भी है तो उस कार्य को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। यही कारण है कि इन लोगों की लाइफ में, इनके कैरियर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद मैच्योरिटी लेवल आने पर ये लोग उच्च पद पर भी देखे जा सकते हैं। ये लोग हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जीवन में सफलता पाना ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को भी तैयार रहते हैं। ये लोग उन कार्यों में भी सफल रहते हैं जिसमें दूसरे लोग जोखिम लेने से डरते हैं। इनके मित्रों की संख्या भी काफी अधिक होती है और शत्रुओं के भी। कारण यही है कि ये लोग मुंहफट होते हैं, गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, साफ बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, ईमानदार रहते हैं और अपने हर काम के प्रति धोखा ना तो देते हैं और ना ही दूसरे वाले से इसकी उम्मीद रखते हैं। धोखा अगर मिल जाए तो फिर सामने वाले को बख्शते भी नहीं हैं। वैसे बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, दृढ़ निश्चय भी होते हैं, धन कमाने की इनमें अपूर्व क्षमता होती है। ये लोग ऐसे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जो बड़े बजट के हों। इनके मस्तिष्क में कोई ना कोई प्लानिंग हमेशा ही चलती रहती है। जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने के ये लोग शॉर्टकट तरीके भी अपनाते रहते हैं, लॉटरी सट्टा जैसे खेल खेलने लगते हैं। वैसे ये लोग सेना में, पुलिस फोर्स में, सेना पुलिस के अधिकारी, एक अच्छे पॉलिटिशियन, संगठनकर्ता, रसायन शास्त्री, शल्य चिकित्सक, कंपनी प्रोमोटर्स, एक अच्छे एडवाइजर के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक उपदेशक के रूप में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
वैसे ये लोग अपने प्रेम का प्रदर्शन भी बहुत ही स्वच्छंद अंदाज में करते हैं। अपने मधुर स्वभाव से विपरीत लिंगी को अपनी ओर आकर्षित करने में ये माहिर होते हैं। इनके मित्र भी इनकी यही स्वच्छंदता, इनका उत्साह, इनके स्वामित्व को पसंद करते हैं। फिर भी इनमें दूसरों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरों पर हावी रहना, भावावेश में क्रोध करना, अधीरता का परिचय देना, ये सब बातें इनके रिश्तों में समस्या भी खड़ी कर देता है। जल्दबाजी में लिए गए इनके निर्णय बेहद परेशान कर सकते हैं। फलस्वरूप एक आदर्श जीवन साथी की खोज इनकी चलती रहती है और बार बार इनके प्रेम प्रसंग बनते बिगड़ते रहते हैं। ये लोग प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से काफी जल्दबाज होते हैं, लेकिन अनुशासन प्रिय होते हैं, अच्छे फ्यूचर प्लानर साबित होते हैं। शायद इसीलिए कार्य संपन्न होने का भी इंतजार करने का धैर्य इनमें नहीं होता है। वैसे बहुत ही परिश्रमी होते हैं, शारीरिक रूप से भी और दिमागी तौर से भी, जिस कारण इनकी ऊर्जा का भी काफी व्यय होता है। अत्यधिक मानसिक दबाव में आने पर ये लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर खींचने लगते हैं, बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। स्थिति गंभीर हो जाए तो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार भी होते देखे गए हैं। इन्हें यहाँ पर थोड़ा सा धैर्यशील रहना चाहिए, जल्दी एग्रेशन में नहीं आना चाहिए। इन्हें अपनी पाचन प्रणाली पर आंखों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मंगल इन्हें यहाँ पर चोट एक्सीडेंट की संभावना भी बना देता है। स्किन से रिलेटेड समस्याएं भी इनको देखने में आ सकती हैं। वैसे ये लोग अपनी इन समस्याओं से जल्दी ही निदान भी पा लेते हैं। मूलांक सात वालों के बारे में अगर आप और भी यदि गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मूलांक सात पर बनी मेरी दोनों वीडियोस अवश्य देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप 16 तारीख को जन्मे लोग और 25 तारीख में जन्मे लोगों के बारे में भी आप मेरी बनी वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से मूलांक एक से लेकर मूलांक छह वालों की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आप चाहे 19 जनवरी को जन्मे हो या फिर 12 फरवरी को, 23 मार्च को या फिर 31 अक्टूबर को, अपनी जन्म तिथि और मंथ के अकॉर्डिंग आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 7, 16 और 25 अप्रैल में जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। केतु को अलगाववादी ग्रह माना गया है। ये व्यक्ति को सांसारिक सुखों से मोह भंग कराने का कार्य करता है। ये सभी ग्रहों में सबसे तीक्ष्ण और पीड़ादायक ग्रह है। केतु को मंगलवत माना गया है, लेकिन इसकी क्रियाएं रहस्यमयी हैं। अचानक से उन्नति देना या पतन देना, ऊंचा पद मान सम्मान या फिर अपमान देना, बदनामी देना, कोई दुर्घटना, उलझने, आर्थिक तरक्की या फिर आर्थिक तंगी, या फिर अचानक से किसी बात के लिए अचानक से उत्साहित हो जाना, प्रफुल्लित हो जाना और अगले ही पल उत्साह विहीन हो जाना, ये सब इस मायावी ग्रह के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि केतु सिर्फ अशुभ फल ही देता है, शुभ फल भी इसके प्राप्त होते हैं, क्योंकि केतु का अर्थ है ऊंचाई। केतु अच्छा है तो उच्च फल देता है, ऊंचाइयां प्राप्त करके रखेगा। मंगल की तरह केतु भी साहस और पराक्रम का प्रतीक है। यदि ये व्यक्ति को कुछ देने पर आ जाए तो बहुत कुछ देते हैं, झोलियां भर देते हैं, और अगर लेने पर आ जाए तो सब कुछ छीन लेते हैं। वहीं दूसरी ओर मंगल ऊर्जा है, अग्नि तत्व है। मंगल सेनापति है, एक योद्धा है, फाइटिंग स्पिरिट देता है, अच्छी एनर्जी देता है, फोर्स देता है। मंगल अच्छी मैनेजमेंट पावर देता है। मंगल से ही मंगल होता है। मंगल मांगल्य है, मंगल ही शरीर है, मंगल रक्त का कारक है और मंगल ही आपकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। अब अगर केतु मंगल के साथ मिल जाए तो मंगल के प्रभाव को दोगुना कर देगा और अंगारक का काम करेगा, क्योंकि मंगल का अर्थ ही है अंगार। अब यहाँ पर केतु मंगल की शक्ति को दुगुना कर देगा। ऐसे व्यक्ति में क्रोध की अधिकता बढ़ जाएगी, सामान्य से ज्यादा हो जाएगी। अगर कुंडली में मंगल और केतु अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक विचारों वाला होगा, साधु सन्यासियों को मानने वाला होगा। हो सकता है आपके घर में कोई सन्यासी हो, आप मुक्ति का मार्ग खोजते हुए ही अपना जीवन पूर्ण कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति ना तो किसी परंपरा को मानते हैं, ना ही किसी रूढ़िवादी बंधन में बंधकर चलना पसंद करते हैं, ना ही सांसारिक बातों में कोई विशेष रुचि लेते हैं। इनकी धार्मिक मान्यताएं भी दूसरे लोगों से भिन्न होती हैं, लेकिन दूसरों के मन की बात ये बड़ी सरलता से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की इनमें एक अद्भुत क्षमता होती है।
ज्योतिष और गूढ़ विद्याओं में विशेष रुचि रखते हैं। इनके पास जमीन जायदाद भी अच्छी होती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी इन्हें अच्छी खासी मिलती है, अचानक से धन लाभ के योग बन जाते हैं। पुलिस विभाग में या सेना के अधिकारी ये हो सकते हैं, एक अच्छे पुलिस अफसर हो सकते हैं, अच्छे एथलीट हो सकते हैं। इन्हें मान सम्मान भी खूब मिलता है, न्यायप्रिय होते हैं ये लोग। राजनीति और सरकार से संबंधित कार्यों में भी इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरों पर शासन करने की, दूसरों पर नियंत्रण रखने की लालसा इनके भीतर रहती है। वहीं अगर मंगल और केतु खराब स्थिति में हो जाए, अशुभ स्थिति में हुए, तो इनके संबंध अपने भाइयों से, मित्रों से, पड़ोसियों से ज्यादा लंबे समय तक अच्छे नहीं रह पाते हैं। संबंध खराब होने पर ये उनसे बदला लेने की बातें भी मन में रखने लगते हैं। इन्हें संतान संबंधी कष्ट काफी उठाने पड़ते हैं। गर्भपात की घटना आम हो जाती है। हाई बीपी और रक्त से संबंधित परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ सकता है। फोड़े फुंसियां, स्किन रैशेस या फिर एलर्जी हो सकती है। ये लोग झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। पैरों में कमजोरी, हाथ पैरों में कंपन होने लगती है। चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन के चांसेस बन जाते हैं। जमीन जायदाद मिलने में समस्या आ सकती है। आर्थिक तंगी रह सकती है। वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है। कानूनी अड़चने रह सकती हैं। ऐसे व्यक्ति जोशीले तो बहुत होते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी खूब मारते हैं, लेकिन सब बातें इनकी धरी की धरी रह जाती हैं। इनका ये जोश ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है और फिर काम के प्रति ये बहुत ही जल्दी बेरुखी अपनाने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध पर तो बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अगर ग्रह स्थिति ज्यादा खराब हुई तो ऐसा व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, यहाँ तक कि जेल भी जा सकता है। इन लोगों के जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जिनमें शुभ प्रभाव कम और अशुभ ज्यादा होते हैं। ऐसा व्यक्ति सांसारिक जीवन का कोई आनंद नहीं ले पाता है, डर डर के जीता है या फिर औरों को मारकर जीता है, बदले की भावना लेकर जीता है। इनमें दिमागी ताकत से ज्यादा शारीरिक ताकत ज्यादा होती है और इसका वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये इन लोगों की सोच पर डिपेंड करता है। मंगल और केतु से प्रभावित व्यक्ति काफी एनर्जेटिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, इसलिए ये लोग अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, जिस कारण इनमें चारित्रिक दोष भी देखा जा सकता है। अगर ये अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं तो उत्तम फल भी प्राप्त करते हैं, नहीं तो पतन की ओर जाने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। वैसे तो आप लोगों की मूलांक 1, 2, 4 और 7 वालों के साथ अच्छी दोस्ती और कंपेटिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप 21 जून से 27 अगस्त, 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्म लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपेटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है, और अगर इसी समय के बीच में आपके साथी, आपके जीवन साथी का मूलांक 1, 2, 4 या फिर 7 पड़ता है तो सोने पे सुहागा। अगर आप इसी समय के बीच में 7, 16 या फिर 25 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। 7, 16 और 25 अप्रैल में जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, रूसो, विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ली चैपलिन, कदुकरी वी सलिंगम, डेविड फ्रॉस्ट, सर जॉन फ्रैंकलिन, सेलेना, जैकी चेन, अल पचीनो, रसेल को, रविशंकर, दिनेश डिसूजा, स्पाइक मिलिगन, कुलभूषण जाधवी, राम नायको, जितेंद्र समरजीत सिंह गायकवाड़, शेखर नायको, कार्तिक रमानी, गुलशन मेहरा, अरिजीत सिंह, राम गोपाल वर्मा, लारा दत्ता, बनवारी लाल पुरोहित, प्रिया बनर्जी, जतिन बोरा, नारायणी शास्त्री। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अरुणी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।